किसान भाइयों, सोनालिका इंटरनेशनल DI-50 जो ट्रैक्टर है ये 15 स्पीड ट्रैक्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 गियर है इस ट्रैक्टर में और ये DLX मॉडल है सोनालिका का। 52 हॉर्स पावर वाला ये ट्रैक्टर है। इसमें सबसे ज़्यादा कंपनी इसमें टॉर्क देती है, 205 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है और सबसे कम RPM पर इसके जो हाई रेटेड RPM है 2000 RPM आपको मिल जाते हैं। और इससे के अंदर ट्रैक्टर है हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस के नाम से ये ट्रैक्टर आता है। इसमें सबसे कम डीजल खपत होगी इस ट्रैक्टर में, काफ़ी बेहतरीन ये ट्रैक्टर है। आप पीछे से यहाँ पे इसमें मिरर देख सकते हैं पीछे देखने के लिए। कंपनी ने इसके जो मडगार्ड और इंडिकेटर लाइट है उसको चेंज किया है। इसमें आपको ऑयल इमस्ट ब्रेक मिल जाते हैं। साइड शिफ्ट गियर के साथ में ये ट्रैक्टर आता है, यहाँ से देख सकते हैं आप। और 15 गियर हैं, हाई मीडियम और लो इसमें गियर दिए हैं कंपनी ने। इसमें आपको ऑयल इमस्ट ब्रेक मिल जाते हैं, तेल में डूबे हुए। कंपनी यहाँ पर इसमें आपको रेस देती है, पैर वाली रेस। और यहाँ पर इसमें यहाँ पे आपको ये लॉक मिल जाता है, ब्रेक सिस्टम, हैंड रेस कंपनी इसमें यहाँ पे देती है। और चलाने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए यहाँ पे कंपनी ये सिस्टम देती है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे बैटरी बॉक्स कंपनी इस ट्रैक्टर में साइड में देती है आपके लिए। और इसमें डबल जो पंप होते हैं टैंडम पंप, इसमें कंपनी अलग अलग आपके लिए पंप इसमें देती है। और इसका जो लुक है आगे से आप देख सकते हैं, इसका लुक अलग ही नज़र आ रहा है पूरा ट्रैक्टर। और ये इसमें कंपनी ने इसमें हुक दिया हुआ है ट्रैक्टर अटैच करने के लिए। और ये सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग रॉड के साथ में ये ट्रैक्टर आपको मिलता है। कंपनी इसमें आपके लिए वाटर सेपरेटर और सिंगल ग्लासेस में आपको फिल्टर मिल जाता है। और ये तीन सिलेंडर में है ये ट्रैक्टर, बॉस के लाइन पंप के साथ में है और 52 हॉर्स पावर वाला है ये, 55 के जोर मारता भाइयों। और इसके जो मडगार्ड की बात की जाए तो मडगार्ड इसमें आपको बहुत ही चौड़े मिल जाते हैं। जैसे किसान अपने खेत पर जाते हैं तो इसमें अपना आसानी से कोई कट्टे वगैरह रख के आप खेत में जा सकते हैं बीज वगैरह लेके। ये देख सकते हैं इसमें हाई मीडियम और लो इसमें गियर दिए हुए हैं कंपनी ने। और साइड शिफ्ट गियर के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। ऊपर इसमें आप यहाँ देख सकते हैं टूल बॉक्स कंपनी इसमें साइड में देती है। और जो डीजल टैंक की कैपेसिटी है इसमें 60 लीटर की इसमें डीजल टैंक की कैपेसिटी आपको मिल जाती है इसमें। और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग रॉड के साथ में ये आता है। इसमें आपको MRF के टायर मिलते हैं, MRF के इसमें 7/50/16 के इसमें आपको अगले टायर मिल जाते हैं। और जो पिछले टायर की बात की जाए तो इसमें आपको 14/9/28 के इसमें आपको पिछले टायर मिल जाते हैं। उसके बाद ये डुअल क्लच ट्रैक्टर है, आसानी से इसका जो क्लच है दबाने पर आसानी से काम करता है। और इसमें कंपनी 5 साल की वारंटी देती है। इसमें आप ऊपर चढ़ने के लिए आपके लिए यहाँ पे एक हैंडल देती है जिससे आप इसे पकड़कर ऊपर चढ़ सकते हैं। और इसका जो प्लेटफॉर्म की बात की जाए, इसमें काफ़ी बड़ा इसमें प्लेटफॉर्म कंपनी ने दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी ज़बरदस्त इसमें प्लेटफॉर्म कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया इस ट्रैक्टर को। और इसकी जो सीट की बात की जाए, इसमें आपको एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है इसमें। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी इसमें बड़े चौड़े मडगार्ड इसमें कंपनी ने दिए हुए हैं। और इसका जो डैशबोर्ड की बात की जाए इसमें, तो डैशबोर्ड आपको डिजिटल मिल जाता है। और इसकी हाईएस्ट स्पीड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 25/25 रेस से ये भाग सकता है, स्पीड से दौड़ सकता है। और एक हाथ से आप इसका जो स्टीयरिंग है कंट्रोल कर सकते हैं। और ये गियर सिस्टम आप इसमें देख सकते हैं। ड्राइवर सीट के पास में आपको पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है ये अपने। और कंपनी यहाँ पे आपको पूरा एरिया कवर करके देती है। आगे इसमें काफ़ी बढ़िया इसमें जाली दी हुई है जिससे आपके ये ट्रैक्टर के अंदर धूल मिट्टी और कचड़ा वगैरह अंदर ना जा सके। सोनालिका की आप यहाँ पर बैजिंग देख सकते हैं, काफ़ी शानदार ये ट्रैक्टर है। उसके जो हेडलैम्प हैं आप देख सकते हैं, कितना तगड़ा इसमें हेडलैम्प दिया हुआ है। रात में बहुत ही ज़्यादा रोशनी करने वाला ये इसमें लैंप दिया हुआ है। इसके एक्सल की बात किया तो एक्सल इसमें आपको सीधा मिल जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं आप इसमें एक बात, और इसका जो फ्रंट इसमें आगे वेट दिया है कंपनी ने, तो ये बहुत ही इसमें ज़्यादा वेट दिया है जिससे आपका जो ट्रैक्टर हैवी लोड पर चलता है तो ये आगे से उठे नहीं। और उसके बाद में इसका जो एयर क्लीनर है, ड्राई इसमें 3 स्टेज ऑयल वाश टाइप इसका एयर क्लीनर है। इसमें 3 जगह से
इसकी जो ईयर है सिद्ध होती है और उसके बाद में ट्रैक्टर के अंदर जाती है। उसमें कंपनी ने साइलेंसर में चेंज कर दिया है, साइलेंसर इसका गोल शेप में कर दिया है। पहले इसमें चौड़ा वाला साइलेंसर आता था, अब बढ़िया रहता है। और एक बार मैं आपको पीछे दिखाऊँ, इसमें फोर लिंकेज आपको पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में ये ट्रैक्टर कंपनी आपको देती है, और यहाँ से आप अपना एम्प्लीमेंट को अटैच कर सकते हैं इनके सहारे। और ये हाइड्रोवार इसमें पट्टी देख सकते हैं आप, कितना हैवी इसमें हाइड्रोवार पट्टी है। और ये स्टेबलाइजर देख सकते हैं आप, इसमें कंपनी स्टेबलाइजर देती है, काफ़ी हैवी इसकी हिच दी हुई है कंपनी ने। रिफ्लेक्टर कंपनी पीछे देती है, मडगार्ड सपोर्टिंग भी इसमें अच्छा देती है कंपनी। और ये रिवर्स पीटीओ का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसका जो लोगो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिवर्स पीटीओ इस ट्रैक्टर में दी हुई है कंपनी ने। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो DLX मॉडल है आपको कैसा लगा? राम राम जी।